यार आज मस्त जगह घूमने जाएंगे। दोस्त लोग को तो बोल दिए चलो चलते हैं एकदम मस्ती से। अरे यार एक सामान तो भूल ही गए लेना, चलो पहले घर में लेते हैं सामान ठो, उसके बाद फिर चलेंगे। यार हम ये स्टैंड का क्या करें, जब भी खड़ा करते हैं गिर जाता है, देखो अभी भी खड़ा नहीं हो रहा है, क्या करें। बहुत ज़्यादा परेशान है हम ये स्टैंड से एकदम, क्या बताएं। थोड़ा सा खड़ा हो जा, क्या बताएं, हो ही नहीं रहा स्टैंड से एकदम। हाँ हुआ, हम ये स्टैंड से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो अभी घूमने में नहीं जाएंगे, सबसे पहले जो है ये स्टैंड का जुगाड़ लगाते हैं, उसके बाद आइडिया। चलो चलते हैं, पहले स्टैंड को करते हैं, उसके बाद फिर घूमने जाएंगे। सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजू जी में। सो गाइस, जैसा कि ये साइकिल आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा खुद का साइकिल है गाइस। तो इसका स्टैंड में जो प्रॉब्लम हुआ गाइस, आप लोग तो देख ही लिए, तो हम आप लोग को अच्छे से दिखाने का कोशिश करते हैं प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। जैसा कि गाइस ये साइकिल का स्टैंड आप देख पा रहे हैं, तो ये स्टैंड देखिए इस टाइप में एकदम स्टैंड में होना चाहिए गाइस। ये साइकिल का ओरिजिनल स्टैंड है, ठीक है गाइस। तो जब हम खड़ा कर रहे हैं तो इस तरह से आगे बढ़ जा रहा है गाइस, ठीक है। इसके वजह से सही से प्रॉपरली एकदम खड़ा नहीं हो रहा है साइकिल और गिर जा रहा है। अगर गिर जाएगा गाइस तो इसमें जो शिफ्टर वगैरह लगा हुआ गाइस, गियर वाली साइकिल है, अगर ये शिफ्टर टूट जाता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट गिर जाएगा नया शिफ्टर लगाने का, तो बहुत ही ज़्यादा इन्हें परेशानी हो जाएगा। अगर आपका साइकिल का स्टैंड में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, इस तरह का, तो ये प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना गाइस, चलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोग को अच्छे से बताते हैं। अगर आपके पास किसी भी कैटेगरी का साइकिल हो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं, तो स्टैंड में अगर आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना, किस तरह से करना है, तो आप लोग का कीमती समय ज़्यादा ना लेते हुए आप लोग को अच्छे से बताते हैं। और गाइस ये आपका ओरिजिनल स्टैंड है साइकिल का। अगर आप अपना साइकिल में न्यू अलग से स्टैंड इंस्टॉल करवाते हैं या फिर लगवाते हैं तो वो स्टैंड आपका सही नहीं रहेगा गाइस। साइकिल के साथ में जो आता है स्टैंड वो आपका ओरिजिनल होता है और लॉन्ग लास्ट तक चलने वाला होता है। इसीलिए गाइस हम ये स्टैंड को अच्छे से रिपेयर करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं और अच्छे से बताते हैं, ताकि आप लोग का साइकिल में इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप भी कर सकते हो। गाइस आपको क्या करना है, इस तरह का 5mm एलेंकी लेना है, ठीक है। तो ये आपको जो है एलेंकी बोल्ट इसमें लगा हुआ है, तो हम 5mm एलेंकी से ये बोल्ट को खोल लेते हैं। तो चलिए हम फटाफट पहले खोलते हैं, फिर आप लोग को आगे बताते हैं। सो गाइस ये खुलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसके वजह से हमें जो है 10-11 नंबर का स्पैनर लेना है, और पीछे साइड में इसका बोल्ट लगा हुआ रहता है, ये नट लगा हुआ रहता है। तो चलिए आराम से आप खोल लेते हैं फटाफट। सो गाइस बहुत ज़्यादा एकदम नट टाइट है, तो दूसरा स्पैनर का हमें यूज़ करना पड़ेगा इस जगह में। ये रहा हमारा एलेंकी टी स्पैनर, जो कि हम कुछ दिन पहले ही बनाए थे, तो इसका आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट पहले खोल लेते हैं। तो ये देखिए स्पैनर लगाने के बाद जैसे हम खोलें तो एकदम आसानी से खुल गया एक नट हमारा। आप दोनों नट को हम फटाफट खोलते हैं और स्टैंड को बाहर निकालते हैं, फिर आप लोग को आगे बताते हैं। सो गाइस स्टैंड खोल लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से एक क्लिप लेना है, ब्रेक का क्लिप है, जो कि आपको साइकिल शॉप में मिल जाएगा, ठीक है। पुराना ब्रेक क्लिप है, स्पेयर पार्ट से आपको इस तरह का ले लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो क्लैंप आप देख रहे हैं ये वाला आपको निकाल देना है। तो चलिए फटाफट पहले निकाल लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। सो गाइस ये देखिए हमने जो है ऊपर वाला क्लिप को निकाल दिए हैं, ठीक है। नीचे वाला पोजीशन ही आपका रह गया, उसके बाद इसको आपको क्या करना है, हैमर की मदद से अच्छे से एकदम सीधा कर लेना। चलिए फटाफट पहले सीधा कर लेते हैं। सो गाइस अच्छे से सीधा कर लेने के बाद आपको छेनी लेने के बाद इतना आपको कट करके हटा देना है, ठीक है गाइस। ये देखिए हम कट कर दे रहे हैं। सो गाइस ये देखिए हम कट कर दिए हैं, कट करने के बाद ये हमारा एक पत्ती हो गया गाइस। अब क्या करेंगे, स्टैंड में इस जगह में वेल्ड कराएंगे, किस तरह से कराना है, कैसे कराना है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल जो है साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं वेल्ड दुकान, तो चलिए स्टैंड को ले जाते हैं, वहाँ पर वेल्ड कराएंगे और आप लोग को दिखाएंगे। तो ये देखिए हम साइकिल चला रहे हैं। सो फाइनली गाइस वेल्ड दुकान आ चुके हैं, और वेल्ड दुकान आने के बाद जो है हम अपना स्टैंड को वेल्ड करवा लिए हैं। जो पत्ती आप देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं, पत्ती को अच्छे से लगा करके वेल्ड करवा दिए हैं। सो गाइस पत्ती को अच्छे से वेल्ड करवाने के बाद स्टैंड में आपको क्या करना है, साइकिल में फिट करना है स्टैंड को। तो कैसे फिट करना है, फिट करने से पहले आपको क्या करना है, अच्छे से आपको जो है जिस जगह में वेल्ड करवाए हैं उस जगह में आपको कलर कर लेना है, ताकि देखने में ख़राब ना लगे। तो चलिए हम फटाफट पहले कलर कर लेते हैं, फिर आप लोग को आगे दिखाते हैं किस तरह से फिट करना है साइकिल में। सो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं स्टैंड में कलर हो चुका है, चलिए अब स्टैंड को सूखने देते हैं।
सो फाइनली गाइस स्टैंड हमारा सूख चुका है, जैसा कि देख पा रहे हैं हम कलर किए थे एकदम अच्छे से सूख चुका है। सो गाइस बताना चाहेंगे जिस तरह से आप स्टैंड को खोलेंगे गाइस उसी तरह से आपको स्टैंड को फिट करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइस। लास्ट और आखिर में आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहेंगे गाइस, स्टैंड में जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें 5mm का एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है गाइस। तो कोई कोई साइकिल में गाइस स्टैंड में आपको 10 नंबर साइज का नट बोल्ट लगा हुआ रहता है, तो आपको 10 नंबर का स्पैनर से खुल जाएगा, आसानी से आपको खोल लेना है और जिस तरह से खोलेंगे उसी तरह से फिट करना है। सो गाइस अगर आप हमारे चैनल में न्यू आए हैं और साइकिल रिलेटेड में नॉलेजफुल वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि अदर दोस्तों को भी काम आने वाला वीडियो है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।